ये देखिए गुमानी नदी, गुमानी बैरिज, और मैं दिखा रहा हूँ, और एक नदी कट के पूरा एक नदी बन गया है। कितना जोर पानी जा रहा है देख लीजिए। और इधर सिरखुन पंचायत का स्थायी पड़ रहा है, ये सिरखुन पंचायत पड़ रहा है, और कुछ काम इधर नहीं हो रहा है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना मुखिया ले रहे हैं, ना विकास मंत्री आलमगीर आलम ले रहे हैं। इधर चकपड़ा ग्राम पूरा कटा होता है, तो पूरा चकपड़ा से लेके कांगजोल बिंदुपड़ा तिलंगा तक ये पानी जा रहा है, पूरा किसानों को नुकसान हो रहा है पूरा। और हम देखा रहे यहाँ से आलमगीर आलम विकास मंत्री के घर कितना दूर है, यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है विकास मंत्री आलमगीर आलम का घर। और इधर बार बार इलेक्शन के टाइम आता है और बोलता है कि इस बार वोट दो, आप लोग को पूरा कटाव बांध के देंगे। कुछ काम नहीं कर रहा, खाली धोखे से वोट लेता है आके। और उधर मैं दिखाऊंगा आपको, सन्यास किया हुआ है 2019 को, सन्यास करके वोट बना के उद्घाटन करके चला गया विकास मंत्री आलमगीर आलम, और बोल रहा है कि ये कटाव जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है चकपड़ा ग्राम में, कुछ भी काम नहीं किया गया है। ये गुमानी नदी, गुमानी बैरिज देख सकते हैं आप लोग, और इधर पूरा कटाव हो गया है। बार बार आता है विकास मंत्री आलमगीर आलम और कहते हैं कि हम काम करके देंगे इधर, और आप वोट दीजिए, आप लोग इस बार बांध देंगे। कुछ काम नहीं कर रहा है, बांध के नहीं मिल रहा है हम लोग को। और विकास मंत्री आलमगीर आलम पूरा सन्यास करके गया है इधर, 2019 को जीतने के बाद देख के गया, सन्यास करके वोट बन के उद्घाटन करके भी गया है, और अभी तक काम नहीं हुआ है। ठीक है, सलाम, धन्यवाद, शेयर कीजिएगा भाई, ताकि हमारे हिमान सरकार तक पहुँचाएगी और विकास मंत्री आलमगीर आलम के पास ये वीडियो जा सके। धन्यवाद भाई।